हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए के कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर विथ के कुशवाहा। वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th की पोम द रेन ऑन द रूफ के कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। अगर आपने इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, नोट किया है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर उसको नोट कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। और ये कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, इनको भी दो बार पढ़ लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए देखें कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो निम्न पद्यांशों को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एवरी टिंकल ऑन डैश डॉट 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 अपॉन द रूफ, तो ये स्टेंजा है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। और फिर ये क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन एंड हु इज पोएट। तो इस लेसन का नाम लिखिए जहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है और इसके कवि कौन है। आंसर, द नेम ऑफ द लेसन इज रेन ऑन द रूफ। तो पाठ का नाम, लेसन का नाम रेन ऑन द रूफ है। एंड कोर्स किन्नी इज इट्स पोएट, और कोर्स किन्नी इसके लेखक हैं, कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टिंकल इन द हार्ट लुक लाइक। तो हृदय में जो टिंकल टनटनाहट की आवाज़ होती है वह किसकी तरह है। द टिंकल इन द हार्ट लुक्स लाइक द शिंगल्स। शिंगल्स मीन्स गोल छोटे छोटे पत्थर। तो द टिंकल्स इन द हार्ट, हृदय की जो टनटनाहट है वो लुक्स लाइक द सिंगल्स, गोल पत्थरों की तरह है। जैसे गोल पत्थर पर वर्षा पड़ती है, तड़ तड़ की आवाज़, टन टन की आवाज़ आती है, तो वैसा ही। व्हाट डू थाउजेंड रिकलेक्शंस डू। तो थाउजेंड मीन्स हजारों, हजारों स्मृतियाँ क्या करती हैं। थाउजेंड रिकलेक्शंस व्यू दियर एयर थ्रेड्स इन टू ऊफ। तो हजारों स्मृतियाँ वायु में थ्रेड्स धागा बुनती हैं, ताना बाना बुनती हैं कल्पनाओं का। व्हाट डज द पोएट लिसन टू, तो कवि क्या सुनता है। द पोएट लिसन्स टू द रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ। तो कवि छत पर वर्षा की आवृत्ति को सुनता है, बार बार वो उस वर्षा की आवृत्ति को सुनता है। व्हाट डज एवरी टिंकल डू, तो प्रत्येक ये जो टनटनाहट है, टिंकल मीन्स टनटनाहट, वो क्या करती है। आंसर, एवरी टिंकल एकोस इन द हार्ट। तो प्रत्येक टनटनाहट हृदय में गूंज उत्पन्न करती है। सेकेंड स्टेंजा है, नाउ सेकेंड क्या, ये लास्ट स्टेंजा है। हम लोग तीन स्टेंजा है तो दो स्टेंजा दिए हैं हमने, तो दूसरा और तीसरा। तो नाउ इन मेमोरी डॉट 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 ऑफ रेन, ये लास्ट स्टेंजा। तो राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन एंड हु इज पोएट।
तो इस लेसन का नाम लिखिए जहाँ से ये स्टंजा लिया गया है और इसके कवि कौन है। आंसर, द नेम ऑफ द लेसन इज रेन, अ रेन ऑफ द रूफ एंड अ कोर्स किडनी इज इट्स पोएट। तो पाठ का नाम रेन ऑन द रूफ है और कोर्स किडनी इसके पोएट। डज द पोएट्स मदर स्टिल कम इन हिज मेमोरी, क्या कवि की माँ अभी भी उसकी यादों में आती हैं, स्मृति में आया करती हैं? यस, हाँ, शी स्टिल कम्स टू हिज मेमोरी, वे अभी भी उसके यादों में आया करती हैं। व्हेन डिड द पोएट्स मदर लीव, तो कवि की माँ कब चली जाती थी? आंसर, द पोएट्स मदर लेफ्ट टिल द डॉन, तो कवि की माँ डॉन तक चली जाती थी। डॉन मीन्स उषा काल, सूर्योदय का समय। व्हाट डज द पोएट फील, कवि क्या महसूस करता है? आंसर, द पोएट फील्स हिज मदर्स फॉन्ड लुक ऑन हिम, कवि अपनी माँ के प्रेम भरी दृष्टि को अपने ऊपर महसूस करता है। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इससे लाभान्वित होंगे, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।